हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ऑफ अनुष्का। आई होप यू ऑल ऑफ डूइंग वेल। तो चलिए हमारी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ आप अपना स्किन केयर रूटीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे क्लिनजर लगाया। मैं अपने फेस पे D10 का फेशियल कर रही हूँ क्योंकि अभी समर्स आ गए तो जो हमारी स्किन है बहुत सारी टैन हो जाती है ड्यू टू सन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया क्लिनजिंग। तो मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तो जेंटली अपने हाथ से मसाज करनी है। आप अपने हाथों को थोड़े थोड़े पानी में वेट करके अपने सारे फेस को आप क्लीन करोगे। इसके बाद मैंने एक वेट स्पंज लिया जिससे मैं अपने फेस को कर रही हूँ क्लीन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगी स्क्रबिंग। तो हम अपने फेस को एक्सफोलिएट करेंगे। तो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए मैंने स्क्रब यूज़ किया है जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। स्क्रब लगाने के बाद मैं अपने जो भी फिंगर टिप्स हैं उसको पानी में वेट करते हुए अच्छे से अपने फेस पे राउंड राउंड करती रहूँगी। अभी अपने फेस पे आपने स्क्रबिंग करनी है। जब भी आप स्क्रबिंग करोगे तो आपको अपने हैंड्स को जेंटल रखना है, एकदम हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग को पता है स्किन है समर्स में आपकी स्किन स्वेट करती है और इससे आपकी स्किन है जो पील भी होती है। तो इसको जेंटली मसाज करेंगे अपने फेस पे 5 to 10 minutes के लिए। उसके बाद मैं स्क्रब को कर दूँगी रिमूव आफ्टर 10 minutes के बाद। तो इसको मैं सेम उसी तरीके से स्पंज की हेल्प से क्लीन करूँगी जैसे मैंने अपने क्लिनजिंग को क्लीन किया था। तो आपको जो आपका स्पंज और वाटर है आपको क्लीन करते रहना, सेम वाटर और स्पंज से आपको अपने फेस को क्लीन नहीं करना है। तो अपने स्क्रब को रिमूव करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है मॉइस्चराइज़र यानी क्रीम जिससे मैं मसाज करूँगी अपने फेस पे। तो इसमें मैं कुछ अपने मसाज के स्टेप्स कर रही हूँ जो आपको अपनी स्किन को शार्पन करने में हेल्प करेगा आपके फेस के स्ट्रक्चर को। तो ये जो मसाज है आप अपने स्किन पे नाइट टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी आईज के ऊपर फिंगर से राउंड राउंड कर रही हूँ। इसके बाद हम अपने फेस पर अच्छे से राउंड राउंड करते मसाज करेंगे। तो उसके बाद जो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसाज करी, आपको भी सेम उसी प्रोसीजर से मसाज करना होगा अपने स्किन को जिससे कि आपकी स्किन टाइटनिंग होगी। मसाज हम इसीलिए करते हैं कि आपकी स्किन टाइट होती है इससे। तो मसाज आप जल्दी जल्दी मसाज करेंगे अपने फेस पे। तो मसाज डन हो जाने के बाद मैं अपने फेस पे लिफ्ट कर रही हूँ, लिफ्टिंग वाली चिक्स को लिफ्ट कर रही हूँ जिससे आपकी चिक्स अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करेंगे। मसाज करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया है। इससे हमारा फेस का ब्लड सर्कुलेशन होता है तो जिससे आपका फेस अच्छे से ग्लो करता है। तो मसाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेशियल और स्किन केयर रूटीन। आपको मसाज करनी चाहिए हफ्ते में 1 to 2 times अपने स्किन पर। तो इसको मसाज करने के बाद अब मैं अपने फेस पे टैपिंग मोशन कर रही हूँ। मैं जब भी अपने फेस पे सीरम या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दी तो मैं टैपिंग मोशन यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है जो आपकी स्किन होती है उसके अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है प्रोडक्ट जो भी आप लगाते हो। तो अभी मैंने ये जो भी क्रीम था मैंने उसको अपने फेस पे से अच्छे से क्लीन कर दिया। जब भी आप लोग मसाज करते हो अपने फेस पे क्रीम को रिमूव कर देना। उसके बाद मैं अपने फेस पे D10 का फेस पैक लगा रही हूँ। तो मैं इसको 10 minutes के लिए अपने फेस पे ड्राई होने दूँगी, उसके बाद मैं वॉश आउट कर दूँगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मेरा यही था आज का स्किन केयर रूटीन जो मैंने फेशियल किया है। जो आपका फेस पैक है इसको आप 10 minutes तक अपने फेस पे ड्राई करोगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं अपने हैंड्स को वेट करती हूँ अपने फेस को अच्छे से। जो भी मास्क है उसको रिमूव करिए। कभी भी अपने अपना जो फेस मास्क है डायरेक्टली वॉश नहीं करना जिससे आपकी जो स्किन है वो लूज़ होती है। तो हम जो भी फेस पैक लगाते हैं तो वो स्किन टाइटनिंग के लिए होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।